आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। और हम विश्वास करते हैं कि आप सब अच्छे हैं और परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा है प्रभु के सारे उपकारों को याद करते हुए, उसकी भलाइयों को याद करते हुए, उसने हमारे साथ किए हुए हर एक कर्म को, काम को याद करते हुए। क्यों ना हम थोड़ी देर धन्यवाद चढ़ाते हुए आराधना में प्रवेश करें। हालेलुया, प्रभु की महिमा के गीतों को गाएंगे, वचन को सुनेंगे, प्रार्थना करेंगे। लेकिन उस सबसे पहले उसने हमारे लिए पिछले एक सप्ताह किया हुआ सारी बातों को याद कर कर धन्यवाद देते हुए आए हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि अब महान है, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि अब स्तुति के योग्य परमेश्वर है, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर क्योंकि आप हमें बनाया हुआ परमेश्वर है। वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी ब्लेस योर होली नेम, वी ब्लेस योर होली नेम, वी ब्लेस योर होली नेम। प्रभु हम आपको धन्य कहते हैं, धन्य कहते हैं सर्वशक्तिमान सनातन यहोवा। आज के इस अच्छे सुबह के लिए हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप विश्वास योग्य परमेश्वर है, आप पवित्र परमेश्वर है, आप सेनाओं का यहोवा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। इसलिए हम आपका महिमा करते हैं परमेश्वर पिता, हम आपको धन्य कहना चाहते हैं क्योंकि आपने, हालेलुया, हमें सुरक्षित रखा है, आपने हमें चलाया है। चाहे जीवन की उतार चढ़ाव कुछ भी क्यों ना हो, उस हर परिस्थिति में आपने हमें संभाला, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर पिता। आपकी अगुवाई के लिए धन्यवाद, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद, आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद परमेश्वर पिता। हम दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं कि और दुर्घटना से आपने हमें बचा के रखा। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता क्योंकि आप, हालेलुया, हर प्रकार की बीमारी से हमें बचा के रखा। थैंक यू लॉर्ड, सिर्फ हमें नहीं, हमारे परिवारजनों को, हमारे समाज के लोगों को, कलीसिया के लोगों को आपने बचा के रखा, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। थोड़ी देर मिलकर हम आपकी महिमा स्तुति आराधना करना चाहते हैं, आपका नाम ऊंचा करना चाहते हैं। धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आगे का समय आपके हाथों में देते हुए ये प्रार्थना मुक्तिदाता यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुना ग्रहण कर पिता, आमेन आमेन आमेन। आइए कुछ आराधना के गीतों को गाएंगे और मिलकर हम प्रभु की महिमा करेंगे पास्टर साहिल के साथ, और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, क्यों न मिलकर आज के इस पवित्र दिन में हम परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। आपका और मेरा प्रभु महान परमेश्वर है। हालेलुया। वो परमेश्वर जिसने वायदा किया है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी परमेश्वर है। क्यों न मिलकर हम उसकी आराधना करें। यीशु मसीह है भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया, नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया, मौत से
बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, तेरा राज आए यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, तेरा राज आए यहाँ। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। राजा धी राजा महिमा के साथ, बादलों पर जल्दी आने वाला है। राजा धी राजा महिमा के साथ, बादलों पर जल्दी आने वाला है। मुसीबत निंदा दुखों का सिलसिला खत्म होने का समय आ गया। मुसीबत निंदा दुखों का सिलसिला खत्म होने का समय आ गया। खत्म होने का समय आ गया। राजा धी राजा महिमा के साथ, बादलों पर जल्दी आने वाला है। राजा धी राजा महिमा के साथ, बादलों पर जल्दी आने वाला है। मेरे प्रिय का जलाली चेहरा सलाल के समान देखने वाले हैं। मेरे प्रिय का जलाली चेहरा जलाल के साथ हम देखने वाले हैं। जलाल के साथ हम देखने वाले हैं। राजा धी राजा महिमा के साथ, बादलों पर जल्दी आने वाला है। राजा धी राजा महिमा के साथ, बादलों पर जल्दी आने वाला है। सब दुखों से परे अनंत वास में ले जाने के लिए वो आ रहा है। सब दुखों से परे अनंत वास में
ले जाने के लिए वो आ रहा है, ले जाने के लिए वो आ रहा है। राजा धी राजा महिमा के साथ, बादलों पर जल दियाने वाला है। राजा धी राजा महिमा के साथ, बादलों पर जल दियाने वाला है। अपने प्रिय के साथ सदा करने को वास, हम जाने वाले हैं रहना हर पल तैयार। अपने प्रिय के साथ सदा करने को वास, हम जाने वाले हैं रहना हर पल तैयार। हम जाने वाले हैं रहना हर पल तैयार। राजा धी राजा महिमा के साथ, बादलों पर जल दियाने वाला है। राजा धी राजा महिमा के साथ, बादलों पर जल दियाने वाला है। जब हम सुनेंगे तुरी की आवाज, उसी के समान बदल जाएंगे। जब हम सुनेंगे तुरी की आवाज, उसी के समान बदल जाएंगे। उसी के समान बदल जाएंगे। राजा धी राजा महिमा के साथ, बादलों पर जल दियाने वाला है। राजा धी राजा महिमा के साथ, बादलों पर जल दियाने वाला है। हाँ, बादलों पर जल दियाने वाला है। हालेलुया। हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना के बाद वचन में जाएंगे। आइए एक और बार अपने मनों को प्रभु के आगे समर्पण कर पवित्र आत्मा हमें आज सिखाने पाए, अगुवाई करने पाए, और हम लोग वचन में जाएंगे। स्वर्ग के पिता परमेश्वर, आज के इस अच्छे दिन के लिए एक और बार हम आपको दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं, और धन्यवाद करते हैं कि गीतों के द्वारा आपकी महिमा करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए आपने हमें शक्ति दिया, बल दिया प्रभु, होने पाए कि हमारी आराधना, हमारा गीत, हमारी स्तुति प्रभु, ये सब आपके सन्मुख ग्रहण योग्य रहे। शुद्ध मन से और परमेश्वर पिता शुद्ध अंतकरण से निकलने के लिए मदद करना, हमें एक और बार पवित्र और शुद्ध करना प्रभु जी, कि आज हम आपके वचनों को सुन पाए, ये वचन हमारे हृदय की पट्टियों में लिखा जाए, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। पवित्र आत्मा की अगुवाई हम मांग लेते परमेश्वर पिता, लॉर्ड लीड अस एंड गाइड अस। परमेश्वर धन्यवाद करते, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सभी को एक और बार प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की। और मैं विश्वास करता हूँ कि वचन सुनने के लिए हमारा मन तैयार है और हम इच्छुक भी हैं। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि हमारे हाथ में, हमारी भाषाओं में परमेश्वर का वचन हमें प्राप्त हुआ है। बहुत सारे प्रभु के दास दासियों की कुर्बानी के कारण, उन्होंने किया हुआ प्रयास के कारण, हमारे हाथ में, हमारी ही लिपि में, हमारी ही भाषा में परमेश्वर का वचन आज उपलब्ध है, जो एक ज़माने में लोगों के हाथ में नहीं था। ये वचन मेरे लिए और आपके लिए एक मैग्नेटिक कंपास के रूप में है, एक ऐसे कंपास के रूप में है कि हमें वो दिशा देता है, हमें गाइड करता है, चेतावनी देता है, सांत्वना देता है, अगुवाई देता है, हमें हम पर रोक लगाता है। ये सब इसलिए है ताकि हमारा जीवन में हम आशीष पाएं। परमेश्वर स्वार्थी नहीं है। गॉड इज़ नॉट अ सेल्फिश गॉड। परमेश्वर ने अपने स्वार्थ के कारण मुझे और आपको नहीं बनाया। परमेश्वर ने अपने स्वार्थ के कारण मुझे और आपको उसके बहुमूल्य लहू से, अर्थात पुत्र यीशु के लहू से नहीं छुड़ाया। परमेश्वर अपने स्वार्थ के कारण मुझे और आपको व्यवस्था नहीं दिया। परमेश्वर अपने स्वार्थ के कारण मुझे और आपको आशीष नहीं देता है। मेरी और आपकी प्रार्थनाओं को भी ऐसा नहीं सुनता है,
क्योंकि वो स्वार्थी परमेश्वर, गॉड इज अनसेल्फिश, परमेश्वर निस्वार्थ परमेश्वर है, और वो अपना निस्वार्थ प्रेम, वो अपना निस्वार्थ अनुग्रह हमारे पर उंडेलता है। बाइबल, व्यवस्था, परमेश्वर का वचन, ये सब मेरे लिए और आपके लिए लाभदायक है, मेरे और आपके वंश के लिए, बच्चों के लिए, संतानों के लिए लाभदायक है। ये सब इसलिए है ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर का आशीष हम अनुभव कर पाए जब हम इस पृथ्वी में रहते हैं, और इस पृथ्वी से जाने के बाद भी हम परमेश्वर की स्वर्गीय आशीष को अनुभव कर पाएंगे। हालेलुया। मैं आपको बाइबल में से आज पहली कुरिन्थियों और उसका 10 अध्याय, 1 Corinthians chapter 10 में से कुछ बातों को बोलना चाहूँगा। पहली कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर उसकी 11वीं आयत तक। इनफैक्ट हम जब पढ़ेंगे पहली कुरिन्थियों की पत्री 9 अध्याय का 27 से लेकर हम 10 अध्याय का 11वीं आयत तक एक बार पढ़ेंगे, धीरे से हम पढ़कर सुनेंगे। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। हे भाइयों और बहनों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें, और ना तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे, जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे, और ना हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए, और ना हम प्रभु को परखे जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए, और ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर परमेश्वर हमें आशीष दे। अब थोड़ी देर हम वचन को मनन करेंगे। परमेश्वर ने इज़राइल को, अर्थात अब्राहम के द्वारा आए हुए संतानों को, एक विशेष कार्य के लिए चुना था, और परमेश्वर ने उनको एक ऐसी जाति बनाया, परमेश्वर ने उनको एक ऐसा समूह बनाया जो दूसरों से हटकर था, दूसरों से अलग था। परमेश्वर ने उनको इसलिए बनाया क्योंकि परमेश्वर अन्य जातियों को इज़राइल के द्वारा सिखाना चाहता था कि उनका परमेश्वर कौन है, उनका परमेश्वर कैसा है, उनके तरीके कैसे हैं, उनके आराधना कैसा है, और ये परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग कैसे होंगे। कभी भी ये गलत फहमी हमारे मन में ना रहे कि परमेश्वर पक्षपात करता था, और पक्षपात करने के कारण एक ही जाति से ज़्यादा प्रेम करता था और बाकी जातियों से प्रेम नहीं करता था। ऐसी बात नहीं है। बात दरअसल यह है कि परमेश्वर एक जाति को चुनकर उनको एक मिसाल बनाना चाहता था ताकि उसके द्वारा उस जाति के पीढ़ियां और उसके इन जातियों को देखकर दूसरे जाति के लोग भी जीवित परमेश्वर याहवे परमेश्वर की महिमा करे, स्तुति करे। हालेलुया। और परमेश्वर ने इसराइलियों से प्रेम किया, इतना ही नहीं, उनको परमेश्वर ने एक विशेष अनुग्रह दिया
ये इसराइल के लोग काफी करहाते लगभग 400 साल से भी ज्यादा मिस्र देश में गुलामी करते करते, अर्थात कितने पीढ़ी निकल चुके होंगे ये 400 साल के अंदर, और कैसा मानसिक स्थिति होगा जितने भी बच्चे होते थे इसराइलियों का ये मिस्र देश में रहते हुए, वे सब यही सोचते थे कि हम गुलाम होकर पैदा हुआ है और हम गुलामी ही करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आज के डेट में आपने देखा होगा सड़क पे खड़े होकर भीख मांगने वाले बेचारे लोगों को प्रभु उन पर अनुग्रह करे और एक दिन उस पेशी से वो बाहर आ जाए और प्रभु उन पर दया करे, लेकिन आप देखते हैं कि उनके भी छोटे छोटे बच्चे उनके हाथ में हैं। वो बच्चों से वो लोग क्या करते हैं, भीख मंगवाते हैं। अगर आप चाहेंगे भी तो वो बच्चों को उनकी उस आदत से छुड़ाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उन बच्चों ने जन्म से यही देखा है और उनके माता पिता भी कान में यही बात को बार बार कहा है। वे लोग बड़े लोगों के द्वारा दबाए जाते हैं, वे लोग दूसरों के समान इवन एक अच्छे बेड पे सो नहीं सकते हैं, सड़क के किनारे सोते हैं। तो अब देखिएगा इसराइलियों की मानसिकता क्या रहा होगा जब वो ईंट बनाते थे फिरौन के लिए और मिस्र देश में गुलामी करते थे। इसके बीच में एक ऐसे झुंड के लोग थे उनके बीच में, जो करहा कर परमेश्वर से एक छुटकारे की मांग को रखते थे। वे लोग जिन्होंने अब्राहम का वो वायदा को सुना था, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा और मैं तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा। इन लोगों ने सोचा होगा हमारे द्वारा आज ईंट ही निकल रहा है या हम ईंट ही बना पा रहे हैं, हमारे द्वारा ना हम आशीष पा रहे हैं ना दूसरे आशीष पा रहे हैं। ऐसे करहाते प्रार्थना करते करते परमेश्वर ने उनके लिए मूसा नामक एक व्यक्ति को तैयार किया, उसको परमेश्वर ने उनके बीच में भेजा और अपने चमत्कार चिन्ह और चमत्कार दिखाकर मिस्र देश से फिरौन की गुलामी से इसराइलियों को बाहर लेकर आया। हालेलुया! नाचते हुए कूदते हुए मगन करते हुए वे लोग बाहर आए, इतने आनंदित हुए। परमेश्वर ने ऐसा भी किया कि इसराइलियों के ऊपर ऐसा कृपा दृष्टि हुआ कि जिस दिन वो लोग मिस्र देश से बाहर निकल रहे थे, उन्होंने मिस्रियों से जो कुछ मांगा सब कुछ मिस्रियों ने उनको क्या कर दिया है, बिना सवाल का दे दिया। हालेलुया! अर्थात इतने साल की कमाई जो उनका दबा के रखा था, वो तक भी परमेश्वर ने उनके हाथ में लाकर उनको मिस्र देश से बाहर लेकर आया। प्रभु की महिमा हो उसके इस अद्भुत तरीके के लिए। फिर परमेश्वर ने उनको कनान देश की तरफ यात्रा में लेके जा रहा है, और कनान देश बाइक पुराने नियम के अनुसार इसराइलियों के लिए वायदे का देश, द प्रॉमिस्ड लैंड। परमेश्वर ने जो वायदा किया था कि मैं तुम्हें उस देश में ले जाऊंगा, उस देश की ओर ले जा रहा था, और इसलिए उसका नाम पड़ गया वायदे का देश। अर्थात परमेश्वर अपना वायदा पूरा कर रहा था, वायदा निभा रहा था। यहां रुककर मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, हम सभी को ये बात विश्वास करना है कि परमेश्वर वचन देकर बोलता नहीं, वायदा देकर बोलता नहीं, निश्चय उसके वचन उसका वायदा मेरे और आपके जीवन में पूरा होगा, मेरे और आपके पीढ़ियों के जीवन में पूरा होगा। वो मनुष्य नहीं कि झूठ बोलकर आपको चालाकी में या धोखे में डालकर रखे। हालेलुया! परमेश्वर परमेश्वर है, उसके स्वभाव में झूठ नहीं। वो वायदा दिया है तो उस वायदा को निश्चय पूरा करेगा। हालेलुया! देखिए, इसराइलियों के लिए लिखी हुई एक बात, जब मूसा व्यवस्था विवरण करके, जो किताब है हमारे बाइबल में व्यवस्था विवरण, अर्थात व्यवस्था का दोबारा दोहराने का एक पुस्तक है, द रिपीटिशन ऑफ द लॉज दैट गॉड गेव थ्रू मोसेस टू द इसराइलाइट्स। ओके, तो व्यवस्था विवरण रिपीटिशन का एक पुस्तक है, और उस पुस्तक का 4th अध्याय में और उसका 7 और 8 में मूसा लोगों से क्या कहता है, इसराइल के लोगों से क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय उसका 7 और 8। यस, देखो कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं।
फिर कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसे धर्म में विधि और नियम हो जैसे कि ये सारी व्यवस्था जिसे मैं आज तुम्हारे सामने रखता हूँ। मूसा इस देशवासियों से अर्थात इज़राइल के लोगों से इस प्रकार कह रहा है कि तुम्हारा परमेश्वर विशेष है, इसलिए तुम भी विशेष है। हालेलुया। मूसा उनसे कहता है ऐसा कौन सा बड़ी जाति है जिसके साथ उनके देवताएं समीप रहता हो जैसा तुम्हारा परमेश्वर समीप रहता है। हालेलुया। उसका मतलब ये लोग जब उस एक एक देश को पार कर कर एक एक जमीन को पार कर कर वायदे की देश की तरफ जब जा रहे थे तो परमेश्वर उनका इतना करीब और निकट था, इतना नज़दीक था कि वो देख सकते थे, वे अनुभव कर सकते थे कि हमारे साथ कोई है। हालेलुया। दिन में बादल का छाया और रात में अग्नि के स्तंभ बनकर परमेश्वर ने उनको क्या किया है, सुरक्षा प्रदान किया है। गॉड वॉज विद देम। हम मूसा की प्रार्थना में भी इस प्रकार सुन सकते हैं, जब परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा तो मूसा ने प्रार्थना किया यदि यहोवा दो यदि हमारे साथ ना जाएगा तो हमें ना भेजना। हालेलुया। सो परमेश्वर उनके आगे चलता था। मूसा एक लीडर जरूर था जिसको मनुष्य देख सकते थे, लेकिन उन तमाम लोगों का लीडर कौन था, परमेश्वर था। अर्थात कौन ऐसी जाति है जिसके समीप परमेश्वर रहता है और जब प्रार्थना करे तो वो सुन सकता है। हालेलुया। दूसरा बात जो मूसा उनको याद दिला रहा है, कौन सी ऐसी जाति है जिनको ऐसा व्यवस्था मिला है जिसके कारण उस व्यवस्था के अनुसार चल भी सकते हैं, सुन सकते हैं, चल सकते हैं और उसके द्वारा आशीष भी पा सकते हैं। सो दो विशेष बातें मूसा उनको याद दिलाकर कहते हैं, तुम विशेष लोग हो, तुम्हारा परमेश्वर विशेष है और उन्होंने तुम्हें दिया हुआ व्यवस्था भी क्या है, विशेष है। हालेलुया। सो श्रेष्ठ कैसे बने, क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास पैसे थे, इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास सोना चांदी था, इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास चंगाई था। श्रेष्ठ इसलिए थे क्योंकि उनका परमेश्वर अलग था और उनका व्यवस्था भी क्या था, अलग था। और ये दोनों किसको मिला था, इसराइलियों को मिला था, इसलिए इसराइल की प्रजा भी कुछ अलग ही थे। हालेलुया। दे वेर अ स्पेशल पीपल, दे वेर अ स्पेशल पीपल ऑफ गॉड। आमेन। हालेलुया। अब इन्हीं के बारे में जब कुरिन्थ की कलीसिया से पौलुस कहता है तब पौलुस एक ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जो मुझे और आपको, मेरे और आपके मन में सवाल पैदा करेगा कि एक विशेष परमेश्वर, एक विशेष व्यवस्था, विशेष जाति के लोग, फिर पौलुस इस प्रकार क्यों लिखता है। 10 अध्याय पहली कुरिन्थियों 10 का 5 एक और बार हम पढ़ेंगे, 1 Corinthians 10:5। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ। Nevertheless God was not pleased with most of them, बहुतों से। सो मेजॉरिटी के लोगों के साथ परमेश्वर क्या नहीं हुआ, प्रसन्न नहीं हुआ। और क्या हुआ, वे जंगल में या फिर मरुभूमि में, या और स्पष्ट बोलो तो रास्ते में, कनान के देश में पहुंचने से पहले, वायदा अपने जीवन में पूरा होते हुए देखने से पहले वे ढेर हो गए, अर्थात वे मरकर नाश हो गए। इतनी लंबी यात्रा जो उन्होंने तय किया था, इतनी सारी कुर्बानियां जो उठाए थे, इतना विश्वास जो उन्होंने मूसा और परमेश्वर पर रखा था, वो सब ढेर होने के कारण व्यर्थ हो गया। पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया के लिए ये चेतावनी के रूप में लिखता है। देखिए 6वीं आयत में पौलुस क्या कहता है, verse 6। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी। बस ये बातें हमारे लिए कैसे ठहरी हैं, दृष्टांत ठहरी है। और हम पढ़ेंगे उसकी 11वीं आयत, verse 11। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। ये सिर्फ दृष्टांत नहीं है लेकिन ये सब हमारे लिए, मेरे लिए और आपके लिए चेतावनी भी है। हालेलुया।
क्या है दृष्टांत, उनके साथ क्या हुआ वो है दृष्टांत, क्या है चेतावनी कि हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया, हम भी एक यात्रा में हैं, पाप के दलदल से, गंदगी से, श्राप से, मृत्यु की रस्सियों को परमेश्वर ने तोड़कर हमको आजाद कर परमेश्वर हमें उस वायदे की देश की तरफ, उस पूर्ण आशीष की तरफ प्रभु हमको लेकर जा रहा है, उस अनंत नित्य जीवन की तरफ प्रभु हमें लेकर जा रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, दुख से मैं कहना चाहूँगा, यदि हम इसराइलियों की तरीके से हमारा जीवन को इस अनुग्रह के युग में जिएंगे तो, कई लोग अनुग्रह के युग के बारे में प्रचार करते हैं, द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस, और इस प्रकार सोचते हैं परमेश्वर ने हमारे अपने ऊपर अपना सारा दंड उठा लिया, इसलिए अब हमारे ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। बिल्कुल सही, उसमें कोई दो राय नहीं है, अब हमारे ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। लेकिन यदि हम इसराइलियों के समान उन बातों को करेंगे जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है, तो हम क्या करें, क्या हो जाएगा हमारे साथ, हम भी इस पृथ्वी में अर्थात इस मिट्टी में हम भी ढेर हो जाएंगे, हम उस वायदे के देश में हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रियो, अपने जीवन को चेक करने का बहुत ही उचित समय है, क्या हमारे अंदर उन बातें हैं जो इसराइलियों के अंदर था। हालेलुया, इसराइलियों को मिला हुआ दो तीन और अच्छे सुविधाओं के लिए या फिर प्रभु ने दिया हुआ कुछ प्रिविलेजेस को मैं पढ़ाना चाहूंगा आपके लिए। ओके, पहली आयत से लेकर 10:1 से लेकर उन वो लोग क्या क्या किए, या मैं इंग्लिश में उसको बोलता हूं और उसी आयत को हम हिंदी में सुनेंगे। दे वर ऑल अंडर द क्लाउड, सब बाप दादे बादल के नीचे थे। वे सब बाप दादे किसके नीचे थे, बादल, क्लाउड के नीचे, द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति के नीचे वे लोग थे। दे ऑल पास थ्रू द सी, सबके सब समुन्दर के बीच से पार हो गए। वे सबके सब समुन्दर के बीच से पार हुए। ये समुन्दर परमेश्वर ने उनके लिए अद्भुत रीति में विभाजित कर दिया था। उसके बाद दे वर ऑल बैप्टाइज्ड इनटू मोसेस इन द क्लाउड एंड द सी, सब ने बादल में और समुन्दर में मूसा का बपतिस्मा लिया। वे सब ने समुन्दर और बादल में किसका बपतिस्मा लिया, मूसा का बपतिस्मा लिया। अर्थात बपतिस्मा किसको दर्शाता है, पुरानी बातों को छोड़कर नए वस्त्र को, नए स्वभाव को धारण करने के विषय में। सो इन लोगों ने बादल और समुन्दर से होकर गया तो उन्होंने मूसा उनकी लीडर के अगुवाई में जब वो चल रहे थे वो बपतिस्मा लिए हुए थे। उसका थर्ड वर्स 3 में लिखा है, दे ऑल एट द सेम स्पिरिचुअल फूड, और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया। वे सबने एक ही आत्मिक भोजन किया, अर्थात उनको परमेश्वर ने क्या भी दिया, आत्मिक भोजन भी दिया, शारीरिक भोजन भी दिया। उसके बाद एंड ड्रैंक द सेम स्पिरिचुअल ड्रिंक, फॉर दे ड्रैंक फ्रॉम द स्पिरिचुअल रॉक दैट अकंपनीड देम, एंड दैट रॉक वाज क्राइस्ट, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। वे सब आत्मिक जल पिए, कौन उनके साथ चलता था, वो चट्टान उनके साथ चलता था जो मसीह था, और उसके द्वारा उन्होंने आत्मिक जल पिया। तो अभी जरा देखिएगा, इनको मिला हुआ सौभाग्य, विशेष परमेश्वर, विशेष व्यवस्था, विशेष बादल, विशेष बपतिस्मा, विशेष आत्मिक भोजन, विशेष आत्मिक जल। किस चीज की कमी थी अब इनके पास, कौन सी बातों की कमी थी, अब परमेश्वर ने उनको जो कुछ चाहिए सब कुछ पूरा कर दिया, फिर भी वे कनान के देश में प्रवेश नहीं कर पाए। अब हम चलेंगे उस मुख्य मुद्दा की ओर कि क्यों वो प्रवेश नहीं कर पाए। वर्स 6, They set their hearts on evil things. उन्होंने लालच किया, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। सबसे पहली बात जो उन्होंने किया, बुरी वस्तुओं का लालच करना। हालेलुया, लालच, setting our hearts on evil things, जिसे इंग्लिश में लिखा है लालच, हमें, मुझे और आपको परमेश्वर से वंचित कर सकता है।
संतुष्टि एक बहुत बड़ा क्वालिटी है जो एक मसीही के अंदर होना जरूरी है। एक मसीह संतुष्टि, उसके जीवन के विषय में संतुष्टि, उसका परिवार के विषय में संतुष्टि, उसके धन के विषय में संतुष्टि, उसके सुविधाओं के विषय में संतुष्टि, उनके बच्चों के विषय में संतुष्टि। क्या है संतुष्टि का मतलब? जो हमारे पास है उसके लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं, जो नहीं है उसके ऊपर आंख रखकर हम लालच करना नहीं चाहते हैं। यस, यदि आपको चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपका पगार 5,000 रुपया है या 10,000 रुपया है और उसका उससे आपका पूरा महीना नहीं चल पा रहे हैं, आप 15,000 चाहते हैं या 12,000 चाहते हैं, आप प्रार्थना जरूर कर सकते हैं। अपनी जरूरतों को परमेश्वर के आगे आप निश्चय बोल सकते हैं, परमेश्वर उसको एक गलत बात नहीं मानता। लेकिन लालच करना, लालच जब एक व्यक्ति के जीवन में आता है तो वो सारे प्रकार का शॉर्टकट निकालता है, छोटा रास्ता निकालता है वो आशीष को अपने जीवन में अनुभव करने के लिए। इसराइलियों ने क्या किया है? लालच किया है। दे सेट देयर हार्ट्स ऑन ईविल थिंग्स। उन्होंने लालच किया तो भी किन विषयों का लालच किया? बुरी विषयों का लालच किया, बुरी बातों का लालच किया। तो सबसे पहले याद रखे, कनान से या फिर वायदे के देश से मुझे और आपको क्या वंचित करेगा? लालच। स्थान के लिए लालच, पदवी के लिए लालच, महिमा के लिए लालच, प्रशंसा के लिए लालच, धन के लिए लालच, किसी भी साधन के लिए लालच, किसी भी प्रकार की चीज के लिए लालच मुझे और आपको परमेश्वर से वंचित कर देगा। क्या आप अनंत जीवन पाना चाहते हैं या लालच कर इस पृथ्वी में डूब मरना चाहते हैं? मेरे प्रियो, लालच यदि नहीं करना हो तो हमारी आंखों को और मन को बहुत काबू में रखना जरूरी है, बहुत नियंत्रण में रखना जरूरी है। हमारा आंख, हमारा मन हमको बहुत बड़े बड़े धोखे में फंसा सकता है। हमारी आंखों के द्वारा अभिलाषा हमारे अंदर प्रवेश कर हमारे मनों में वो अभिलाषा गर्भवती होकर आशाओं को पैदा कर जो हमारा बस का नहीं, जो हमारा हक का नहीं, जो हमारे लिए प्रभु ने नहीं रखा, उसको कैसे भी प्राप्त करने के लिए हम पागलपन दिखा सकते हैं। कई लोग इसी तरीके से अपने आत्मिक जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को और दया को खो बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने लालच को अपने हृदय में क्या दिया है? स्थान दिया है। दूसरी बात, सातवीं आयत में क्या लिखा है? Verse 7, या और ना तो मूर्ति पूजक बनो, जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे, जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। निर्गमन 32 अध्याय में इस घटना के विषय में लिखा है, जो परमेश्वर यहोवा ने उनको मिस्र देश से बाहर लाया था, जो उनके साथ साथ चलता था, जो उनको पानी, आत्मिक भोजन, आत्मिक जल, आत्मिक पानी पिलाता था, वो परमेश्वर को भूलकर उन्होंने अपनी मनसा के अनुसार एक परमेश्वर को रूप दिया या फिर एक साधन को रूप दिया और उसका नाम रखा याहवे परमेश्वर, उसका नाम रखा हमें छुड़ाने वाला, उसका नाम रखा हमें आगे बढ़ाने वाला, उसका नाम रखा हमें आगे पहुंचाने वाला। परमेश्वर के ऊपर से भरोसा हटाकर अपनी कल्पना में बनाया हुआ प्रतिमा को, अपनी कल्पना में बनाया हुआ वस्तु को उन्होंने ईश्वर जाना, परमेश्वर जाना, और यह बात परमेश्वर को बहुत ज्यादा नाराज किया। हालेलुया। हम में से कोई भी परमेश्वर के स्थान में किसी और वस्तु को, व्यक्ति को या विषय को बिठाकर परमेश्वर का वायदे का देश से वंचित ना हो जाएं, अनंत जीवन से वंचित ना हो जाएं। प्लीज चेक योर लाइफ्स, अपने जीवन को थोड़ा चेक कर देकर, जांच कर देखें। समय समय पर अपने जीवन को चेक करना जरूरी है। कई बार जब इस विषय को आप पढ़ते हैं, आप कहेंगे हम तो ऐसा कुछ करते नहीं हैं, हम तो किसी भी ऐसी प्रकार की प्रतिमा या कोई वस्तु को हमने तस्वीर के रूप में किसी भी रूप में रखा नहीं है।
बिल्कुल सही, मैं भी सहमत हूँ आपके साथ। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ बात जरा ध्यान से सुनिएगा। पहला शमूएल 15 अध्याय में लिखी हुई बात को जरा हम सुनेंगे। शमूएल 15 अध्याय और उसका 23 आयत, 23 इंग्लिश में लिखा है, For rebellion is like the sin of divination and arrogance like the evil of idolatry. Arrogance, हिंदी में क्या लिखा है arrogance के लिए? हट करना, हट करना, arrogance परमेश्वर के सन्मुख में idolatry के समान है, मूर्ति पूजा के समान है। हालेलुया। हम किसी व्यक्ति को जो मसीह में नहीं है उसको हम किसी तरीके से खेदित करना नहीं चाहते, चोट पहुंचाना नहीं चाहते हैं। हलवा करना और हट करना, ये दोनों हमेशा साथ ही जाता है। इट ऑलवेज गोज टुगेदर। पहले तो बलवा होता है और उसके बाद घमंड आता है। एक घमंडी व्यक्ति कभी भी किसी की बात को नहीं मानेगा। एक घमंडी व्यक्ति सामने वाला कोई कहेगा उसको वो तुच्छ समझेगा। Let a righteous man slap me, it is like oil on my head. एक धर्मी मुझे मारे वो मेरे लिए तेल के समान है, परमेश्वर के वचन में लिखा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब मैं मसीह के अधीन हूं, जब मुझे करेक्शन मिलता है, मुझे मेरा सुधार होता है, जब मुझे कोई व्यक्ति अनुशासित करता है, जब मुझे और आपको कोई व्यक्ति ताड़ना देता है या हिदायत देता है, तो हमें नाराजगी नहीं, हमारे अंदर नाराजगी नहीं आएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, हम अपने आप को नम्र कर उनकी बात को मानना शुरू करेंगे। लेकिन यदि हमारे अंदर घमंड हो, अहंकार हो, हट करने की स्वभाव हो, जब वो व्यक्ति हमसे बोलेगा तो हम उसके लिए तर्क प्रस्तुत करेंगे, वाद विवाद करेंगे, अनाज्ञाकारी होंगे और हम पलटवार भी करेंगे। परमेश्वर के लिए हट करना, बलवा करना मूर्ति पूजा के समान है। कुलुसियों की पत्री में हम जाएंगे और वहां पर भी एक आयत को हम देखेंगे। कुलुसियों की पत्री 3:5, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, व्यभिचार, अशुद्धता, अशुद्धता, दुष्कामना, दुष्कामना, बुरी लालसा, बुरी लालसा, और लोभ, और लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। तो यहाँ पर ग्रीड को भी मूर्ति पूजा के बराबर कहराया गया है। ग्रीड, लोभ को। सो इसराइल के लोगों की कहानी में वापस हम आए। हम कुरिन्थियों की पत्री में थे, पहले कुरिन्थियों 10 अध्याय में थे। सबसे पहले उन्होंने अपने हृदय में लालच किया, दूसरा उन्होंने क्या किया, परमेश्वर को उसके स्थान से हटाकर उन्होंने अपनी कल्पना के अनुसार बनाया हुआ स्वरूप को उन्होंने ईश्वर समझा, परमेश्वर समझा, और उसकी उपासना और आराधना करने लगे। और अब हमने थोड़ा और सीखा कि यदि हम हट करते हैं, बलवा करते हैं, लोभ रखते हैं, वो भी मूर्ति पूजा के बराबर है। सो मेरे प्रियो, यदि हम में से कोई भी ऐसा सोचते हैं कि मैंने इन बातों को छोड़ दिया, तो जस्ट ये बात कैलकुलेट कर देखे या समझ कर देखे, क्या हमारे अंदर लोभ है, हमारे अंदर हट करने की स्वभाव है या बलवा करने की स्वभाव है। हालेलुया। आज्ञाकारिता हमारे लिए सबसे उत्तम है। किसके प्रति आज्ञाकारी रहना? सबसे पहले परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहना। एक नम्र व्यक्ति हमेशा परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहेगा। दूसरा, परमेश्वर ने हमारे ऊपर ठहराए हुए लीडर्स के प्रति हम आज्ञाकारी रहे, अगुओं के प्रति आज्ञाकारी रहे। परमेश्वर ने उनको आपके लिए, मेरे लिए ठहराया है। तीसरा, हम अपने माता पिता के प्रति आज्ञाकारी रहे, हम अपने भाई बहनों के प्रति आज्ञाकारी रहे। ये आज्ञाकारिता का स्वभाव हटते ही बलवा और हट उसके जगह में आकर भर जाएगा और हम परमेश्वर को नाराज करना शुरू करेंगे। लेट अस नॉट रिबेल, लेट अस नॉट गेट इनटू दोस सिंस व्हिच द इस्राएलाइट्स डिड। तीसरी बात, उन्होंने क्या किया, 8 आयत, और ना हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। व्यभिचार का पाप उनमें से बहुतों को कनान से वंचित कर दिया।
हालेलुया। व्यभिचार हमेशा परमेश्वर ने दिया हुआ रिश्ते से खुद कर एक ऐसा रिश्ता या फिर एक ऐसा व्यक्ति से, विषय से, बात से प्रेम करना जो परमेश्वर के नजर में अनुचित है। परमेश्वर ने एक बात या रिश्ता मेरे लिए और आपके लिए ठहराया है, उस पर प्रभु ने अपना आशीष का हाथ को रखा है, लेकिन हम उसमें से खुद कर बाहर आकर, उस दायरे से बाहर आकर, जब हम उन बातों से प्रेम करना शुरू करते, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो विषय हो, चाहे कोई वस्तु हो, तो परमेश्वर की नजर में वो व्यभिचार के पाप के बराबर है। सेक्सुअल इमोरालिटी, इस विषय में जब इज़राइल के लोग एक ऐसे स्थान पर पहुंचे थे, उन इज़राइल के पुरुषों ने दूसरों के साथ, अन्य लोगों के साथ अपने संबंध को जोड़ना शुरू किया। एक इज़राइली एक मोआबी लड़की को अपने घर में लेकर आया और फिनियास नामक व्यक्ति ने एक भाले से जाकर उनको मारा। उस मारने के कारण उस दिन परमेश्वर का क्रोध, उनका व्यभिचार का पाप के कारण जो आ रहा था, रुक गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको चलने के लिए एक पटरी बना कर दिया है। जवानों, आप जब तक विवाह ना करो तब तक आपको चलने का एक पटरी परमेश्वर ने दिया है। उसमें से खुद कर अन्य बातों के साथ, अन्य लोगों के साथ जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, रिश्ता रखना वो व्यभिचार है। पति पत्नियों, परमेश्वर ने आपको चलने के लिए एक पटरी दिया है। उसमें से बाहर खुद कर अन्य लोगों के साथ रिश्ता रखना जो परमेश्वर के नजर में सही नहीं है, चाहे वो शारीरिक रिश्ता हो, चाहे वो भावनात्मक रिश्ता हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की रिश्ता क्यों ना हो, यदि प्रभु के नजर में वो ठीक नहीं है तो वो व्यभिचार है। यीशु मसीह ने इतना भी कहा, यदि हम अपने आंख से गंदी नजरों के साथ किसी स्त्री के ऊपर देखा तो वो व्यभिचार का पाप है। हमने व्यभिचार कर लिया है। यू हैव ऑलरेडी कमिटेड अडल्टरी। हालेलुया। परमेश्वर रिश्तों में पवित्रता चाहता है। परमेश्वर हमारी नैतिकता में पवित्रता चाहता है। परमेश्वर हमारे चाल चलन में पवित्रता चाहता है। और यदि हम व्यभिचार करते हैं तो कभी भी हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, हम वंचित हो जाएंगे। सो तीन बातें अभी हमने देखा। नंबर वन, उन्होंने क्या किया, इज़राइल के लोगों ने लालच किया। नंबर दो, उन्होंने क्या किया, मूर्ति पूजा किया। नंबर तीन, उन्होंने क्या किया है, व्यभिचार किया है। नंबर चार, उन्होंने क्या किया, नौमी आयत, या और ना हम प्रभु को परखे जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और उन्होंने क्या किया, परमेश्वर को परखा। परमेश्वर को परखा, दे टेस्टेड द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर को परखना परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की नजर में एक घिनौना काम है, लेकिन विश्वास करना परमेश्वर के लिए प्रसन्नता लाने वाली बात है। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए क्या गिना, वो उसके लिए क्या गिना गया, धार्मिकता गिना गया। अब्राहम बिलीव्ड इन गॉड एंड दैट वाज कंसिडर्ड एज राइचियसनेस। विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करता है और टेस्ट करना, परमेश्वर को परखना परमेश्वर को नाराज करता है। हालेलुया। 6 इब्रानियों 11 का 6 में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। एंड विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। सो परमेश्वर को परखना उसको निराश करता है, परमेश्वर पर विश्वास करना उसको प्रसन्न करता है। इज़राइल के लोगों ने क्या किया, परमेश्वर को परखा।
उन्होंने कई बार ऐसे सवाल पूछे जो ऐसा मानो था कि हमको मार डालने के लिए लेकर आया था क्या? क्या परमेश्वर हमको मीट भी खिला सकता है क्या? क्या परमेश्वर ऐसा भी कर सकता है क्या? मतलब मानो परमेश्वर उनको कहता है, मैं तुम्हें चलाऊंगा, मैं तुम्हारे संग रहूंगा, मैं तुझे वायदे के देश में पहुंचाऊंगा, तो उस वचन पर विश्वास करने के बजाय हम परिस्थितियों को देखकर कई बार परमेश्वर को परख देते हैं, टेस्ट करते हैं। परमेश्वर को ये वाली पाप बहुत ही घिनौना लगता है। इसराइलियों ने परमेश्वर को क्या किया? परखा। जब वो परख रहे थे तो उन्होंने परमेश्वर इन लोगों को, गुलामों को चुड़ाया, उनकी कोई औकात नहीं था, उनकी कोई योग्यता नहीं था, फिर भी परमेश्वर उनको बाहर लाया था। वो सारी पास्ट को भूलकर अब वो सवाल उठा रहे हैं। हालेलुया। जो अपना पास्ट को याद रखते ना, पास्ट इन द सेंस अपनी गवाही को, अपनी गरीबी को, अपने पिछले दिनों को, कि कहां से हम उठकर आए हैं, वो हमेशा परमेश्वर के सामने बैठकर उसका धन्यवाद करेंगे और उस पर विश्वास रखेंगे। हालेलुया। लेकिन जो अपने बीते दिनों को भूल जाते हैं कि हम कहां पड़े थे और आज हम कहां आगे उठकर, आज आप एक वर्शिप लीडर होंगे, आज आप एक पास्टर होंगे, आज आप एक बहुत जाने माने प्रचारक होंगे, आज आप हो सकते हैं कि एक बहुत अच्छे विश्वासी होंगे, आपके पास बहुत सारी योग्यता होंगे, लेकिन उन दिनों को याद करो जब परमेश्वर ने दुष्टात्मा की कहर से आपको बचाया था, उन दिनों को याद करो जब परमेश्वर ने एडिक्शन से आपको छुड़ाया था, उन दिनों को याद करो जहां परमेश्वर ने आपको गरीबी से उठाया था। कभी भी परमेश्वर को परखना नहीं। हालेलुया। शैतान ने यीशु मसीह के सामने लाया वह प्रलोभनों में, एक प्रलोभन ऐसा प्रलोभन था जिसके उत्तर में परमेश्वर ने यह बोला, तुम अपने परमेश्वर यहोवा को नहीं परखना। डू नॉट टेस्ट द लॉर्ड योर गॉड। किस विषय में था? मंदिर के कंगूरे से तू छलांग लगा, परमेश्वर स्वर्गदूत को भेजेगा तुम्हारी रक्षा करने के लिए। 40 दिन के उपवास के बाद सामर्थ्य के साथ निकल कर आने वाले प्रभु यीशु मसीह के सामने मंदिर के कंगूरे से जंप मारकर, पिनकल से जंप मारकर, सारे यहूदियों के सामने एक चमत्कार दिखाने के लिए एक चुनौती शैतान ने दिया, तो यीशु मसीह का एक सिंपल और सरल जवाब, मुझे ये चमत्कार करने की जरूरत नहीं है मेरा सामर्थ्य प्रकट करने के लिए, मुझे ये चमत्कार देखने की भी जरूरत नहीं है मेरा भेजा हुआ पिता पर विश्वास करने के लिए। मैं जानता हूँ किसने मुझे भेजा है, मैं जानता हूँ मैं किस कार्य से आया हूँ, मैं जानता हूँ मैं किस लिए चुना गया हूँ। अपने कॉलिंग पर विश्वास रखो, अपने बुलाहट पर विश्वास रखो, जिस जगह में प्रभु ने आपको मिनिस्ट्री के लिए भेजा है उस स्थान पर विश्वास रखो, जिस परमेश्वर ने दान वरदान दिया है उस दान वरदान पर विश्वास रखो, आपको मिला हुआ आर्थिक धन के ऊपर विश्वास रखो। सब प्रभु की जानकारी में है, उसको परखने की कोशिश ना करें, उसके अधीन रहें। आखिरी एक और बात बोलकर समाप्त करना चाहूंगा, 10वीं आयत वर्स 10। और ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। उन्होंने क्या किया है? कुड़कुड़ाए, कुड़कुड़ाया है। कुड़कुड़ाना हमेशा हमारा एक और असंतुष्टि या डिससैटिस्फैक्शन को दिखाता है। कुड़कुड़ाना और नहीं, कुछ लोग हर विषय में कुड़कुड़ाते हैं, घर में कुड़कुड़ाते हैं, पति से कुड़कुड़ाते हैं, पत्नी से कुड़कुड़ाते हैं, माता पिता से कुड़कुड़ाते हैं, परिस्थिति को देकर कुड़कुड़ाते हैं, पास्टर के विरुद्ध कुड़कुड़ाते हैं, विश्वासी के ऊपर कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। मेरे प्रियो, आप और मैं एक पाप से घोर पाप के अंदर जा रहे हैं, कुड़कुड़ाना। इसराइली लोग कुड़कुड़ाते थे, दे ग्रम्बल्ड। परमेश्वर को इस जीव से, इस मुंह से स्तुति करना है, धन्यवाद करना है, आराधना करना है, कुड़कुड़ाना नहीं है। ग्रम्बलिंग विल एंड अप, इफ वी ग्रम्बल वी विल एंड अप इन हेल। यदि हम कुड़कुड़ाएंगे हम नरक में जाएंगे। मेरे प्रियो, कुड़कुड़ाने वाले इसराइलियों के बारे में लिखा है कि विनाश करने वाला स्वर्गदूत ने उनको क्या कर दिया है? मार दिया है। मैं चाहता हूं, यह प्रार्थना भी करता हूं कि हम में से कोई भी ये 5 प्रकार की बातों में ना पड़े। हालेलुया। हम नए नियम के इज़राइल के लोग हैं। प्रभु ने मुझे और आपको चुना। 1 पत्रस 2:9 में क्या लिखा है, जरा पढ़ेंगे एक बार हमारे बारे में क्या लिखा है। 1 पीटर 2:9 या
पर तुम एक चुना हुआ वंश, पर तुम एक चुना हुआ वंश, राज पददारी याजकों का समाज, राज पददारी याजकों का समाज, और पवित्र लोग, पवित्र लोग, और परमेश्वर के निज प्रजा, परमेश्वर के निज प्रजा हो। क्या क्या बोला परमेश्वर ने? पर तुम तो एक चुना, पत्रस कह रहा है, पर तुम तो एक चुनावा वंश, नए नियम के विश्वासी भाई बहन जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास कर डुबकी बपतिस्मा लिया, मेरे बारे में और आपके बारे में पत्रस कहता है, तुम एक चुना हुआ वंश है। हम यहूदी कौम से नहीं है, हम यहूदी जात से नहीं है, हम इब्रानी लोगों नहीं है, लेकिन हम स्वर्गीय परमेश्वर के इकलौता पुत्र यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए हुए होने के कारण परमेश्वर का पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे कहता है, तुम एक चुना हुआ वंश है, राजपतदारी याजकों का समाज है, यू आर रॉयल प्रीस्ट, हालेलुया। तुम तीसरा क्या हो? पवित्र लोग हो, अलग किए गए हो। नंबर फोर, तुम परमेश्वर के अपने लोग हैं, निज प्रजा है, हालेलुया। और किसके लिए हम बुलाए गए हैं? इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से, अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, मिस्र की देश में से, कनान की ओर जैसे इसराइलियों को बुलाया था, वैसे मुझे अंधकार में से उसकी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। उसके गुण प्रकट करो। किसके गुण प्रकट करो? मेरे शरीर की अभिलाषाओं को मैं प्रकट ना करूं, लेकिन मुझे बुलाए हुआ परमेश्वर के गुण को मैं प्रकट करूं। कैसे हम प्रकट कर सकते हैं? हाउ कैन वी डिस्प्ले? एक बड़ा सा क्रॉस पहन लेके आए यहां पर, एक बड़ा सा सफेद वस्त्र पहन लेके यहां पर, क्या हम लोग सारे प्रकार से क्लीन कर अपने आप को मैं प्रभु का गुण प्रकट कर रहा हूं करके बोल सकते हैं क्या? एक व्यक्ति ने इस प्रकार बोला, ये तो चर्च में दूत और घर में बूत है। चर्च में दूत और घर में क्या है? चर्च में स्वर्गदूत जैसा है, लेकिन घर में क्या है? ये बहुत बड़ा बूत है। क्यों ऐसा? क्योंकि हमारा गुण चर्च में हम दिखावे के रूप में प्रकट करते हैं, घर में जाकर हम असलियत दिखाते हैं। मेरे प्रियो, एक ही प्रकार का गुण होना चाहिए, हालेलुया। जिस परमेश्वर ने आपको अंधकार में से अद्भुत ज्योति की ओर बुलाया, उस परमेश्वर के गुण को प्रकट करने वाले होने के लिए प्रभु ने मुझे और आपको बुलाया। गुण कैसे प्रकट होगा? हमारे स्वभाव के द्वारा गुण प्रकट होगा, हमारे लेन देन के द्वारा गुण प्रकट होगा, हमारे आपसी व्यवहार के द्वारा गुण प्रकट होगा। हम जब बाहर निकलते हैं, चलते फिरते हैं, लोगों के साथ बर्ताव करते हैं, उसके द्वारा गुण प्रकट होगा। तो ये हो गई समाज के सामने प्रभु का गुण प्रकट करना। परिवार में अपनी पत्नी के साथ मैं जब डील करता हूं, मैं प्रभु का गुण को प्रकट करूं। बच्चों के साथ डील करता हूं, प्रभु का गुण को प्रकट करें। पत्नियां पतियों के साथ जब डील करें तो प्रभु का गुण प्रकट करें। बच्चों के साथ व्यवहार करें तो प्रभु का गुण प्रकट करें। हालेलुया, मसीह का गुण प्रकट करने के लिए प्रभु ने मुझे और आपको बुलाया है। लालच, बलवा कर, मूर्ति पूजा कर, व्यभिचार कर, कुड़कुड़ा कर, परमेश्वर को परख कर, परमेश्वर अपने शारीरिक स्वभावों को प्रकट करने के लिए नहीं, प्रभु के गुण को प्रकट करने के लिए प्रभु बुला रहा है। हालेलुया, हमारे हालात इसराइलियों के समान नहीं होना चाहिए, हमारे हालात बेहतरीन है होना चाहिए। हम उस वायदे के देश में प्रवेश करना चाहिए। प्रभु का आगमन बहुत निकट है। आइए हम तैयारी के साथ अपने जीवन को जिए, प्रार्थना करेंगे। उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करेंगे जिन लोगों ने प्रेयर रिक्वेस्ट डाला है। आइए मिलकर एक मन के साथ हम प्रार्थना करें। प्रभु इन प्यारों पर अपना आशीष का हाथ को रखे, यीशु मसीह के नाम से वे चंगे हो जाएं, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु प्रभु, वचन के अनुसार जीने के लिए मन दे, शक्ति दे, बल दे, पवित्र आत्मा की अगुवाई दे। धन्यवाद परमेश्वर, वी ब्लेस योर होली नेम ओ लॉर्ड। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा गुण, हमारा स्वभाव मसीह यीशु को प्रकट करने वाले होने पाए, हमारी हाँ हाँ होने पाए, हमारा ना ना होने पाए, हमारे पवित्रता घर में, घर के अंदर, घर के बाहर, समाज में, हर जगह में एक ही जैसे होने पाए, हमारी अलगदाई के जीवन एक जैसा होने पाए हर स्थान में, हमारे सेवकाई का पैशन, सेवकाई की जिम्मेदारियां सिर्फ चर्च में नहीं, घर में भी, सब जगह पे एक जैसे होने पाए। लॉर्ड मदद कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। विशेषकर जिन बीमार लोगों ने अपना प्रेयर रिक्वेस्ट डाला है, स्वर्ग और पृथ्वी में अधिकार पाए, वही यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि वे चंगे हो जाएं।
हालेलुया रिबाना बशंधने, हम प्रार्थना करते हैं कि वे हालेलुया इसी वक्त स्वस्थ हो जाएं और प्रभु अपनी गवाहियों को वे डाल पाए। परमेश्वर पिता, जो पीड़ित हैं, जो मन में तकलीफ उठा रहे हैं, शरीर में तकलीफ उठा रहे हैं, अपने बलवंत हाथ को परमेश्वर बढ़ाकर उनको चंगाई देना। जो आंसू बहा रहे हैं उनके आंसू को पहुँचना परमेश्वर पिता, जो करहा रहे हैं उनको करहाने के अनुभव से बाहर लेकर आना, जो अविश्वास के नाव में बैठ कर डगमगा रहे हैं प्रभु जी उनको विश्वास करने की शक्ति और बल दे दे और प्रभु जी उनको स्थिर करना, यीशु नामक चट्टान पर खड़ा करना करके हम प्रार्थना करते हैं। ओ लॉर्ड, हम प्रार्थना करते हैं जो लोग रात भर हालेलुया पीड़ित होकर व्याकुल होकर अपने दिन रात काटते हैं, प्रभु उन पर अपनी दया करे परमेश्वर। जिनकी कमाई बच नहीं पाता प्रभु, उनकी आर्थिक स्थिति पर दया करे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं। सही बातों को करने के लिए, सही तरीके से करने के लिए, सही परमेश्वर हालेलुया की व्यवस्था के अनुसार चलने के लिए मदद करना हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद बिनती प्रार्थना को सुनने के लिए। आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता यीशु के दोबारा आगमन तक हमारे के साथ हमेशा होती रहे। सब बोले आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। प्रभु आपके साथ रहे। एक जयवंत मसीही जीवन जीने के पूरी प्रयास पवित्र आत्मा पर निर्भर होकर आप करें, प्रभु आपको चलाएगा, बढ़ाएगा। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की।